friends, myself Ramniwas. I am teaching in Emden Public School, Kuwait. तो आपके सामने Emden Public School, Kuwait की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। इस स्थिति में हम आपको घर पे बैठकर ही आपको पढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। जो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो क्लास 6 to 8 के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो सभी क्लास के लिए वो कंपलसरी रहती है। तो आज के टाइम में आपको पता है कि कंप्यूटर का हमारे जीवन के अंदर कितने ज्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज्यादा अहम रोल है। तो इसी स्थिति को हम देखते हुए कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन या सभी को जानकारी इसके बारे में होना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस इट एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट। कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस जो एक्सेप्ट करती है किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को और इसको प्रोसेसिंग करती है, और उसके बाद में आपको उसका मीनिंगफुल कोई भी आउटपुट आपको देती है। ये क्या है? यहाँ पे जो एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शंस है वो आप किसके द्वारा देते हैं? कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर को कोई भी आदेश देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वो उसको प्रोसेसिंग करती है, उसके बाद में उसके बारे में आपके बारे में उसकी आउटपुट आपको डिस्प्ले करती है। तो ये है कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? इसकी सबको नॉलेज होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद में कंप्यूटर स्टैंड फॉर मीन्स कंप्यूटर की फुल फॉर्म है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है सी से सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर, जिसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? सी से कॉमनली मीन्स सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेट, एम से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूजफुल, T से ट्रेड, E से एजुकेशन एंड R से रिसर्च। क्या मतलब बनता है इसका? कि कॉमनली आम तौर पर ऑपरेट की जाने वाली एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी मशीन जिसको आप खास तौर पर यूज करते हैं किसी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, किसी एजुकेशन के लिए और किसी रिसर्च के लिए। तो इस जो आपके सामने ये टॉपिक डिस्प्ले हो रहा है, मैं समझता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसकी फुल फॉर्म को याद करना अति आवश्यक है। जैसे कि आपको अभी प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर बताया गया था, जो हमारा उसे नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? वेरियस पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू, कि जो आपके कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या है? इनपुट डिवाइसेस। आपके पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है प्रोसेसिंग, दूसरा काम होता है प्रोसेसिंग करना। थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस, जो आपको रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट मीन्स इनपुट से जो आपने किया है उसके बाद में उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में उसका एक रिजल्ट निकलता है जिसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस। और फोर्थ लास्ट क्या है? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के अंदर कि जो डाटा आपने फीड किया है, प्रोसेसिंग की है, वो आप कहाँ पे उसको स्टोर करते हैं? हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इनपुट डिवाइसेस। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या आपके कंप्यूटर जितना भी आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम होता है उसके अंदर आपको जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो होता है फर्स्ट कीबोर्ड्स, माउस एंड जॉयस्टिक। कि कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस कुछ भी टाइप करते हैं वो आपको डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो पहला क्या काम होता है? कीबोर्ड से आप उसको अंदर कोई भी डाटा टाइप करते हैं, इसलिए क्या कौन सा डिवाइस बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेज। सेकेंड क्या है? माउस। माउस से क्या है? कर्सर के थ्रू आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो माउस का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए।
थर्ड है यहाँ पे जोस्टिक। जोस्टिक एक भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है कोई भी गेम ऑपरेट करने के लिए, जो एक रिमोट की तरह काम करता है। और भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे तीन ही डिवाइस बताए हैं जो इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग मीन्स सीपीयू, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। मीन्स यहाँ पे कि ये सीयू भी बोल सकते हैं आप इसको, कंट्रोल यूनिट, जो आपने यहाँ पे टाइप किया है उसको प्रोसेसिंग का कार्य यहाँ पे ये चीज करता है यहाँ पे। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या है कि जो आपने इनपुट किया, आपने मान लीजिए कोई भी नेम टाइप किया, मान लीजिए आपने एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लाइंट आपने टाइप किया है, तो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है। तो इसलिए आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है, मॉनिटर, मीन्स एलईडी एलसीडी आप बोल सकते हैं, मॉनिटर बोल सकते हैं। आज के टाइम में मॉनिटर का यूज बहुत कम होता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, एलसीडी और एलईडी ने कर दी है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मान लीजिए आपने कोई भी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर टाइप की, बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो, वो एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके सामने आ जाता है। इसलिए यह प्रिंटर कौन सा डिवाइस बोला जाएगा, आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर्स, और भी आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको केवल दो ही नेम बताए हैं। फोर्थ है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट मीन्स आपने जो काम किया है उसको स्टोर करने का काम कौन कौन से डिवाइस करते हैं। हमारे पास जो मेनली है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। यहाँ पे हार्ड डिस्क का सबसे अहम योगदान होता है। उसके बाद है सीडी। सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड पेन ड्राइव, ये सभी क्या है, स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है जिनका यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपके सामने बताया वो अभी मैंने आपको ये सभी डिवाइसेस के बारे में बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, और इससे आगे कल के लेसन में मैं आपको इसे नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से होते हैं वो आपको लर्न करवाऊंगा। तो थैंक यू, हैव ए good day.